भाई तो स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आप अपने किसी भी ओप्पो वाले डिवाइस में फ्रेंड्स आपको अपने कैसे पोर्ट्रेट मोड का यूज़ कैमरे में जाके फ्रेंड्स आप कैसे कर सकते हैं पोर्ट्रेट मोड का यूज़। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करने के लिए कैमरा ओपन करना है। कैमरा ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली देखने को मिलता है पोर्ट्रेट पर फ्रेंड्स आप पहले से हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको करना क्या, पोर्ट्रेट मोड का यूज़ करने के लिए किसी फ्रेंड्स आपको किसी एक वस्तु पे या कोई सी भी चीज़ हो फ्रेंड्स आपको पहले उस पर फोकस करना है। फोकस करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एक फ़ोटो ले रखा है। तो फ्रेंड मैं इसको जूम करता हूँ। जूम करने के बाद फ्रेंड मैंने जिस चीज़ पर मैंने यहाँ पर फोकस करा है तो गाइज़ यहाँ पर जिस चीज़ को मैंने फोकस करा है वो तो फ्रेंड्स एकदम आपको ठीक दिखेगा और फ्रेंड्स आपको पीछे का बैकग्राउंड आपको बदल होता हुआ दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वाले मोड में यही होता है कि आप किसी भी चीज़ को फोकस करते हैं तो फ्रेंड्स आपका वो चीज़ आपको सही दिखता है, क्लियर दिखता है और कैसे आपको पीछे का बैकग्राउंड जहाँ पर आपको बदल दिखेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको इस वाले मोड का यूज़ कर लेना है अपने फ़ोन में। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।